हम तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। कम से हमको इतना दिखता है कि मोदी के राज में देश और धर्म दोनों सुरक्षित है। मैंने सरकार गवर्नमेंट अच्छा 10 साल से चला है, सुरक्षा व्यवस्था ही सब मैंने रोड अच्छा है, काम अच्छा है। उनका जो पार्टी अपना है लालू यादव वाला देगा उनका, हम लोग अलग पार्टी से है ये बीज लोग करते हैं। हाँ, सनातन धर्म लेके चलते हैं हम लोग, सनातन ही है। जय श्री राम के नाम, जय राम के नाम। हाँ, हम लोग तो उनको देख रहे हैं, इनको थोड़े देख रहे हैं। प्रत्याशी यहाँ पर तीन तीन है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। वो कुछ भी हो लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े देख रहे हैं। हम तो यहाँ गैस सिलेंडर पर देख, गैस सिलेंडर जी के हथिन उपेंद्र कुशवाहा जी हथिन, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ी मानी यहाँ से आओ नेता हथिन, लेकिन मुख्य रूप से निर्दलीय पवन सिंह है। पवन सिंह आया था, हम इन्हीं को देखे आया था, जो पहले हमको नजर से लोका उसी का। ऐसे तो मोदी जी का लहर हर बार रहा है, इस बार भी उन्हीं का रहेगा, और अगेंस्ट में जो पार्टियां लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के धमनी गांव में। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ नेताओं का कार्यक्रम समाप्त हुआ, लेकिन क्या जनता का मूड है, जनता इस बार क्या सोचती है और किस मुद्दे पर जो है इस बार जनता वोट करेगी, तो एक एक करके जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, इससे पहले इसका नाम जो था वह विक्रमगंज था, और 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट दिया गया। हालाँकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो क्षेत्र है और वह इस पर जो है एनडीए का कब्जा है, और जब भी चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ी है। जब भी चुनाव यहाँ हुआ है तो सहयोगी दल ही जो है चुनाव लड़े हैं। इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वह पवन सिंह हैं, वहीं माले से जो है राजा राम सिंह हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, जनता क्या विचार कर रही है, इस बार किसे वोट देगी, एक एक करके जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं। तो आपको तो गांव के बारे में और भी विशेष जानकारी होगी। हाँ। क्या इस बार माहौल लग रहा है? माहौल इन्हीं का है, अच्छा है। किनका है इस बार? उपेंद्र कुशवाहा का रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा का है, क्यों और बाकी को क्यों नहीं? मैंने सरकार गवर्नमेंट अच्छा 10 साल से चला है, सुरक्षा व्यवस्था ये सब मैंने रोड वोड अच्छा है, काम अच्छा है इनका। और बाकी आप कभी आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया विपक्ष को। ना, विपक्ष मौका तो पहले था ही, लेकिन लालू का राज था, पहले था उनका मौका। तो उस समय में क्या है आपको लगा और अब क्या लग रहा है? ज्यादा लोग रहते थे। हाँ, अब ऐसा नहीं है, उतना नहीं है। तो क्या इस बार आप सोच करके वोट करेंगे? यही सब सोच के करेंगे, यही सब मुद्दा रहेगा। अच्छा, पांच कोई हमको विकास का नाम बताइए। रोड बनाए हैं जी, आतंकित कम है यहाँ, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करता है, यही सब है। और कुछ और लोग से बात, क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र, क्या करते हैं आप? हम घर पर रहते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं, सब घर बार चल जाता है इसी? जी जी, चल जाता है। अच्छा, ये धमनी जो इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? गांव में है। हाँ? कुशवाहा का है। और बाकी का? और बाकी ठीक है, कुछ कम संख्या है, वो लोग ज्यादा है और लोग हैं वैसे। अच्छा। हाँ। कितना वोट हो, वोटर होंगे? 1500 वोट यहाँ होगा, 1500 प्लस। 1500 प्लस यहाँ। तो इस बार क्या आप लोग सोचे हैं? हम तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को क्यों सपोर्ट करते हैं? कम से हमको इतना दिखता है कि मोदी के राज में देश और धर्म दोनों सुरक्षित है, और दोनों सुरक्षित है, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। और क्या करूँ? राहुल गांधी को फिर क्यों नहीं? ना, वो उतना सुरक्षित नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा। मोदी जो बोले सो किए, और लोगों में यही फर्क है, जो बोलते हैं कर नहीं पाते हैं, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं अक्षरशः उसका पालन करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंदर शर्मा। रविंदर शर्मा, क्या करते हैं आप सर? खेती करते हैं। खेती करते हैं, खेती से क्या अभी क्या लग रहा है? खेती से जो आमदनी हो रही है उसे घर परिवार चल जा रहा है, आगे भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं, परेशानी? ना, खेती से सारा कुछ सिमट ले रहे हैं आप लोग। इस बार क्या धमनी का मुद्दा है, क्या आप क्या किसका लहर है इस बार? एनडीए सर, इसका किसका? उपेंद्र कुशवाहा का। अच्छा, क्यों आप लोग चुन रहे हैं? ऐसा क्या उपेंद्र कुशवाहा ने किया? हालांकि आप लोगों ने 2014 में भी इन्हें मौका दिया, यहां से सांसद आप लोगों ने बनाया काराकाट से। इस बार क्या लग रहा है? इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह हैं,
माले से विधायक जो महागठबंधन के सहयोगी दल है वहाँ से राजा राम सिंह हैं, तो क्यों नहीं आप लोग उनको? तो उनका जो पार्टी अपना है लालू यादव वो लदेगा उनका, हम लोग अलग पार्टी से है ये विलोम करते हैं। हाँ, सनातन धर्म लेके चलते हैं हम लोग। सनातन ही है आप? अच्छा, जय श्री राम के नाम पे। राम के नाम? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जय श्री राम करने से पेट थोड़ी भरेगा। पेट भरेगा, दावा दुआ। हाँ, लोग तो कह रहे हैं ना कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से नहीं होगा, तो बहुत कुछ चाहिए। बोलते हैं तो उतना ना ना, वो तो देखे ना 10-15 साल कुछ विकास नहीं हुआ। विकास तो है ना, उनके राज में कहाँ कुछ विकास हुआ। अब आप लोगों को लग रहा है नैया बह रही है विकास नहीं। कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या करते हैं सर आप? हम निजी विद्यालय में शिक्षक का काम करता हूँ। जी हाँ। तो आप यहाँ के बच्चों का भविष्य आप आगे कर रहे हैं और यहाँ से बच्चे जो है देश के भविष्य हैं। ठीक है। निश्चित तौर पे क्या लग रहा है अभी माहौल? अब तो पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं नजदीकी चीजों को आप समझ। अच्छा, रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, किसकी लहर है, क्या मुद्दा है आप लोगों? लहर को तो तोला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु मान लिया तो हम तो भारत के रहने वाले हैं, क्या मैं नहीं मान लूं? पक्ष तो कह रहा है कि कोई काम ऐसा नहीं, नहीं हुआ। नहीं, बात ऐसी है, तो कह रहे हैं कि हार का सामना करना पड़ेगा। चूंकि वे राजनीतिक दल का खिलाड़ी है, हम आम पब्लिक हैं, उनका देखने का व्यू अलग है, मेरा देखने का व्यू अलग है। जनता ही तय करती है, नेता तय, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी चुनौती है सिद्धांतहीनता की राजनीति करना। मैं नहीं कहता हूँ कि ये एनडीए की सरकार होगी या नरेंद्र मोदी की सरकार होगी वो एकदम सिद्धांत पर ही चलेंगे, वो भी सिद्धांतहीनता की राजनीति करेंगे, वो भी गठबंधन की सरकार बनाएंगे, और गठबंधन की सरकार तुष्टिकरण की सरकार होती ही है। तो इस बार क्या आप सोचे हैं, आप लोग क्या सोच? हम लोग तो उनको देख रहे हैं, इनको थोड़े देख रहे हैं। प्रत्याशी यहाँ पर तीन है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। कुछ भी हो लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े देख रहे हैं। अच्छा, मोदी के नाम पर वोट? हाँ, मोदी के नाम पर वोट। मोदी लहर में या उपेंद्र कुशवाहा? नहीं। अच्छा, इधर आ जा भाई, यंग है, जवान है, इधर आवा। अच्छा, कुछ और लोग से बात करते हैं। हम किसान की मजदूरी करते हैं। घर में आमदनी हो जाओ खेती करके? खेती करके जो जितना पूरा बेनिफिट तो नहीं होता है, जितना मजदूरी का है उतने हिसाब। खेती बदारी है? बदारी हमारा नहीं है, दूसरे का खेती करते हैं, घर मजदूर हैं, घर मजदूर किसान हैं। अच्छा, घर में कै गो परिवार है? हम चार परिवार हैं। तो चल जाए एकरा से सब कुछ? हाँ, सब कुछ चल जाए। कोई दिक्कत परेशानी भी हुआ है? परेशानी तो जरूर हुआ है। मैंने बटैया तेसरी जोते पर है, ओकरा में से मालिक से समझौता ले पड़े कि कैसे मनी है, कैसे पट रहा है, ओकरा में मालिकों के बचे हमरो मजे बचे के चाहिए, ये बात है, परेशानी है। हाँ, यह परेशानी है। अच्छा अच्छा, वोट देवा हो भुना? हाँ, वोट देवा ही है। वोट देवा हो। अभी का सोची थे, मैंने का तोरा का कमी लगी थे, कौन चीज पर वोट देवे जेब? हम तो यहाँ गैस सिलेंडर पर दे। गैस सिलेंडर पर? जी। के हथिन? उपेंद्र कुशवाहा जी हथिन। उपेंद्र कुशवाहा हथिन जी। बड़ी मानी यहाँ से आओ नेता हथिन, लेकिन मुख्य रूप से निर्दलीय पवन सिंह हथिन। बाहुन सिंह है, तो हम इन्हीं को देखे हैं, तो जो पहले हमको नज़र से लोका उसी का हम देखिए। गाँव के सीधे साधे लोग जो हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, बस अगर नेता आ गए, नेता से मिल लिए, तो यहाँ के जो जनता है, जो सीधी साधी जनता है, वो भूल जाती है तमाम मुद्दे को, और झांसे में एक तरह से कहिए या फिर बातों में कहिए जनता। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद शर्मा हुआ। क्या काम करते हैं सर? घर पर ही रहता हूँ। अच्छा, यही धमनी के रहने वाले हैं? बिल्कुल। एक्स फौजी भी हैं? अच्छा, एक्स फौजी हैं, तो आपका आप तो ऐसे ही सैल्यूट है आपको, अभी आप घर पे ही रह करके आराम कर रहे हैं? बिल्कुल। घर में और कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं। अच्छा, अभी एक अग्निवीर योजना भी सरकार ने लाई है, कैसा है? तो वो तो अच्छा तो नहीं है, 4 साल की नौकरी है। हाँ, युवाओं का भविष्य उसमें क्या लग रहा है? उसमें अच्छा तो नहीं है, यहाँ डंका बजा रहे हैं लोग, मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी के लहर तो में मोदी जी जाएंगे, मोदी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर तो योजना 4 साल की नौकरी है ना। अच्छा, आप एक फौजी हैं, फौजी होने के नाते आप उन चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं, उसमें क्या सरकार को इस योजना को समाप्त करनी चाहिए या फिर इसमें और कुछ संशोधन करनी चाहिए सरकार को? इसमें एक ही है कि इसे हो, जो जितनी उम्र है 60 साल तक की नौकरी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। मैं यही सरकार से आग्रह करूँगा।
अच्छा, इस बार धमनी का मूड क्या लग रहा है? धमनी की जनता क्या सोच रही है? इस बार किसकी लहर है धमनी में? क्या माहौल है यहाँ का? अभी तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए लहर है। इसके बावजूद मतलब? हाँ, इसके बावजूद भी। अच्छा, तो विकास का कोई 5 ऐसा जो है आप बता सकते हैं सर? विकास कार्य तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है, ऐसा तो नहीं। 5 काम कोई बताइए उनका, जो काम उन्होंने 5 काम किए हों। जैसे बहुत चीज़ उसमें कितना, जैसे आरक्षण के मुद्दा हुआ, और जैसे कश्मीर का 370 धारा, नागरिक संशोधन, ये सब तो मोदी जी का काम है ना। फिर भी कुछ भी हो जाए आप लोग चुनेंगे मोदी जी? बिल्कुल, मोदी जी को ही महत्व मजबूत करेंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि उसके क्या, उन पर टिप्पणी क्या मैं कर सकता हूँ? विशेष टिप्पणी राहुल गांधी पर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है मोदी जी की हाथ मजबूत होने हैं। अभी तेजस्वी यादव भी नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन की, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हाथ नहीं कुछ लगेगा एनडीए को। अब उस पर विशेष टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो युवा है ना, युवा के नाते क्या? अब तो नई पीढ़ी क्या तय करेगा, तो नई पीढ़ी के ऊपर है। ऐसे नेता के तौर पर तेजस्वी यादव कैसे है? अब तो मैं नजदीक से नहीं देखा हूँ कैसा है। अच्छा, कुछ और लोग से जानते हैं यहाँ, क्योंकि इनसे मिले। अच्छा, क्या पेशा से आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती अकेले हो जाती है आपसे? बहुत लोग कहते हैं कि अब हम लोग से खेती नहीं हो पाता है, खाने पीने भर कर लेते हैं, कुछ अपना मतलब हर रोजगार चले, और भी मजबूरी है, आखिर क्या किया जाए। किसानों के लिए आजकल क्या सरकार कुछ कर रही है, लग रहा है आपको? मोदी सरकार जब से आए हैं किसान को तो लाभ ही लाभ है, लाभ मिला है। अच्छा, तो लाभ के चलते आप लोगों का जो है जीवन यहाँ जो है वो अच्छे से हो जाता है। अच्छा, हम जानने की कोशिश कर रहे थे, न्यूज फाउंडेशन की जो टीम है अब तक के लगभग 200 गांव जो है वह कवरेज कर चुकी है, चाहे हम बात करें सीमांचल क्षेत्र का जो हाल ही में दूसरे चरण में चुना हुआ, मगध क्षेत्र में हाल ही में प्रथम चरण में चुना हुआ, तो वो तमाम इलाकों को कवरेज करते चल रही है। हालांकि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ 1 जून को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जनता का मूड हम लोग तलाशते चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जमीनी हकीकत को बताने का। क्या इस बार लहर है, किसकी लहर है, और क्या सोचकर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं यहाँ? ऐसे तो मोदी जी का लहर हर बार रहा है, इस बार भी उन्हीं का रहेगा, और अगेंस्ट में जो पार्टियाँ लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर इन लोगों का हो नहीं पाएगा ऐसा, क्योंकि लूट खसोट तो मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है, और इनमें वैसी बात नहीं है। और रही सवाल अदर कास्ट की, तो पाकिस्तान में भी उनका आवाज़ उठ चुका है, पाकिस्तानी लोग खुद बोल रहे हैं कि मोदी हो तो मतलब मुमकिन है, मोदी ही चाहिए हर शहर में, तो इसके लिए जो एंटी पार्टी है वो भी तो मोदी का गुनगान रहा है ना, तो इधर आदमी को तो और कोई स्रोत रहा नहीं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है काराकाट में, निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है और माले से प्रत्याशी राजा राम सिंह है, और उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा को आप लोगों ने 2014 में भी मौका दिया और उन्हें सांसद आपने बनाया, और ये जो काराकाट का क्षेत्र है, जब से काराकाट बना है विक्रमगंज के बाद से, तब से एनडीए का कब्जा यहाँ पर है। बीजेपी भले ही चुनाव नहीं लड़ी हो, सहयोगी दल ही यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जिताए भी हैं। आप ही जनता वोट करते हैं, वोट से नेताओं को जिताए हैं। इस बार क्या उपेंद्र कुशवाहा की लहर है या फिर पवन सिंह की है? युवा हैं, गायक हैं, उनके पीछे लोग। पवन सिंह तो सिर्फ तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, समझ गए ना, मतलब युवा लोग का जो भी मतलब आकर्षण हो वो पवन सिंह की तरफ जाएगा, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, असर नहीं पड़ेगा। जो शिक्षित हैं, जो कुछ बात को समझते हैं, वो मतलब उसे कोई असर नहीं पड़ पाएगा, मोदी का ही ये होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, इस बार बाहर हैं और रणनीति बना रहे, रणनीति के तहत तेजस्वी यादव जो है उस काम को कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट क्या लग रहा है महागठबंधन को लेकर के? क्या रिजल्ट? तो ऐसे फील्ड में हम घूमते नहीं हैं, लेकिन अगल बगल टीवी के माध्यम से चाहे और मतलब सगरों से कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वैसे पहले के अपेक्षा कुछ मतलब 50% आशा मैंने रखा जाएगा कि मोदी का ही ये रहे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी को। बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ के लोगों के नश नश में जो है राजनीति छुपी हुई है। और चाहे हम बात करें यहाँ के ठेला वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, मजदूरी करने वाले, सभी की अगर हम बात कर लें तो सब एक बार बैठक का जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे चाय की टफरी हो या फिर गांव का जो चौक चौराहा हो जहां पर बैठ करके राजनीति गपशप चलती है, ऐसे में काराकाट लोकसभा क्षेत्र इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर। और धमनी, हम अभी हैं धमनी गांव में, ये काराकाट का ही हिस्सा है और यहां के जनता का हमने मूड जाना। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन धमनी।